सवाल, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही जवाब, तेहरवा शिलालेख में। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी करती है? सही जवाब, लियोनार्डो द विंची की। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सही जवाब, मंगल पर। अगला सवाल, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? सही जवाब, लियोनार्डो दा विंची ने। अगला सवाल, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? सही जवाब, गुजरात का। अगला सवाल, रेबीज का टीका किसने बनाया? सही जवाब, लुई पासर ने। अगला सवाल, किसने आर्य समाज की स्थापना की? वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सही जवाब, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? सही जवाब, पारसियों का। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? सही जवाब, 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब, कर्नाटक में। अगला सवाल, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? सही जवाब, अष्टप्रधान। अगला सवाल, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सही जवाब, पशुओं की चोरी। अगला सवाल, साइलेंट वैली किस राज्य में है? सही जवाब, केरल में। अगला सवाल, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब, नई दिल्ली में। अगला सवाल, क्षत्रिय किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? सही जवाब, बौद्ध धर्म के। अगला सवाल, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? सही जवाब, 1900 ईस्वी में। अगला सवाल, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? सही जवाब, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? सही जवाब, परमेश्वर की। अगला सवाल,
अभाव में बर्फ पसलना कठिन होता है? सही जवाब घर्षण के अभाव से। अगला सवाल, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? राजेंद्र सही जवाब डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अगला सवाल, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया? सही जवाब अम्माजू। अगला सवाल, भू परबती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही जवाब ऑक्सीजन। अगला सवाल, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया का। अगला सवाल, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब कब्ज। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।